नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। अमेरिका ने खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश रचने को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। इसके मुताबिक उस खालिस्तानी आतंकी की कथित साजिश रचने के आरोप में अमेरिका ने भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। अमेरिकी वकील डेमियन विलियम्स ने एक बयान जारी करते हुए बताया कि प्रतिवादी ने भारत से न्यूयॉर्क शहर में भारतीय मूल के एक अमेरिकी नागरिक की हत्या की साजिश रची, जो सार्वजनिक रूप से सिखों के लिए एक अलग देश बनाने की वकालत करता है। यानी डेमियन ने अपने बयान में पन्नू का नाम तो नहीं लिया, लेकिन ये बात जो कही गई ये पन्नू के लिए ही कही गई। इस खुलासे के बाद दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों में तनाव भी पैदा हो सकता है। अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने एक प्रेस रिलीज जारी करके कहा कि हत्या की साजिश रचने के लिए एक अज्ञात भारतीय सरकारी अधिकारी द्वारा भर्ती किए जाने से पहले निखिल गुप्ता नशीले पदार्थों और हथियारों की अंतर्राष्ट्रीय तस्करी भी करता था। पन्नू, जिसे अमेरिकी मीडिया ने टारगेट के रूप में पहचाना है, वो सिख अलगाववादी खालिस्तानी आंदोलन का एक प्रमुख सदस्य है और पंजाब को भारत से अलग करने की वकालत करता है। वो भारत में भी एक नामित आतंकवादी है। अमेरिकी न्याय विभाग की एक प्रेस रिलीज के मुताबिक 52 साल के निखिल गुप्ता एक भारतीय नागरिक हैं। अमेरिका और चेक रिपब्लिक के बीच द्विपक्षीय प्रत्यर्पण संधि के तहत निखिल गुप्ता को इसी साल 30 जून को चेक रिपब्लिक के अधिकारियों ने गिरफ्तार किया था। एक कथित भारतीय सरकारी कर्मचारी, जिसे उसके नाम के बजाय CC1 के नाम से इस खुलासे में संबोधित किया गया है, उसके बारे में कहा गया कि CC1 भारत और अन्य जगहों पर निखिल गुप्ता समेत अन्य लोगों के साथ मिलकर के अमेरिकी धरती पर एक वकील और राजनीतिक कार्यकर्ता की हत्या की साजिश रचने का काम कर रहा था। इस दस्तावेज में CC1 को सुरक्षा और खुफिया विभाग की पृष्ठभूमि वाला बताया गया है। यानी जाहिर तौर पर इसमें भारतीय खुफिया एजेंसियों का कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली एक तरह से बात कही गई है कि उनका हाथ हो सकता है। अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट के मुताबिक भारत में बैठे CC1 के कहने पर निखिल गुप्ता ने हत्या के लिए एक किलर की तलाश शुरू की थी और इसी तलाश में निखिल का संपर्क एक ऐसे शख्स से हुआ जो अपराधियों के साथ उठता बैठता था, लेकिन ये शख्स कोई किलर नहीं बल्कि अमेरिकी एजेंसियों का एक खुफिया सोर्स था। इस सोर्स ने निखिल गुप्ता को हिटमैन बताकर एक शख्स से मिलवाया। यानी कि सोर्स और कथित हिटमैन दोनों DEA मतलब के ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम कर रहे थे। यानी हिटमैन भी अमेरिकी एजेंसियों का एक अंडरकवर ऑफिसर था। जून महीने में निखिल गुप्ता को टारगेट करने के बारे में निजी जानकारी दी गई, जिसने इसे कथित हिटमैन को पास कर दिया था। दस्तावेज में कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का उल्लेख भी किया गया है और यह भी कहा गया है कि निखिल गुप्ता ने उस कथित हिटमैन, जो एक गुप्त अधिकारी है, उसे बताया था कि निज्जर भी एक टारगेट था। इस दस्तावेज में आगे फिर कहा गया है कि निखिल गुप्ता ने 30 जून या उसके आसपास भारत से चेक रिपब्लिक की यात्रा की थी, तब उसे अमेरिका के अनुरोध पर अधिकारियों ने गिरफ्तार किया था। इस डॉक्यूमेंट में आगे ये भी कहा गया कि 18 जून 2023 को या उसके आसपास नकाबपोश बंदूकधारियों ने कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में एक सिख मंदिर के बाहर हरदीप सिंह निज्जर की हत्या कर दी। निज्जर विक्टिम यानी पन्नू का सहयोगी था और विक्टिम की तरह ही सिख अलगाववादी आंदोलन का नेता और भारत सरकार का मुखर आलोचक था। बाद में फिर उस शाम को कुछ ही घंटों बाद CC1 ने निखिल गुप्ता को एक वीडियो क्लिप भेजा, जिसमें निज्जर का खून से लथपथ शरीर उसके वाहन में गिरा हुआ दिखाया गया था। जस्टिस डिपार्टमेंट ने आरोप लगाया है कि CC1 ने निखिल गुप्ता को एक मैसेज भेजा था जिसमें पन्नू से संबंधित एक न्यूज आर्टिकल था और जिसके साथ ही ये भी लिखा था कि अब ये हमारी प्राथमिकता में है। निखिल गुप्ता पर भाड़े के बदले हत्या करने और हत्या की साजिश रचने का आरोप है, जिनमें से हर एक के लिए अधिकतम 10 साल की सजा हो सकती है। चेक रिपब्लिक के अधिकारियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और उसका प्रत्यर्पण भी अभी लंबित है। हालांकि इस पूरे मसले पर भारत सरकार ने भी अपनी तरफ से सफाई दी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि भारत इन आरोपों को गंभीरता से ले रहा है। उन्होंने कहा कि हम पहले ही कह चुके हैं कि द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग पर अमेरिका के साथ चर्चा के दौरान
अमेरिकी पक्ष ने संगठित अपराधियों, आतंकवादियों और अन्य लोगों के बीच सांठगांठ से संबंधित कुछ अहम इनपुट्स उनके साथ साझा किए थे। बागची ने राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति भी भारत की प्रतिबद्धता जाहिर की। तो क्या अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट के इस अहम खुलासे से भारत और अमेरिका के संबंधों पर कोई असर पड़ सकता है? आपको क्या लगता है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।